वो 500 महार लड़ाके और एक अंग्रेज सेनापति उनके साथ था, अंग्रेज सेनापति और उनके साथ 500 महार, वो कम से कम 250 घुड़सवार थे और वो 250 के करीब पैदल, और उन्होंने कूच की कोरे गांव की तरफ। तो भीषण युद्ध के बाद, संघर्ष के बाद 28,000 की उस सेना को, बड़ी सेना को गाजर मूली की तरह काट करके उनको परास्त किया। जनवरी और 1818 को वो महायोद्धाओं ने युद्ध लड़ा। हम उनसे प्रेरणा लेते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम आज ये शपथ लेते हैं, जैसे उन 500 लोगों ने 28,000 पेशवाओं की धज्जियां उड़ा दी, उनको पराजित करा, उसी तरह हम भी अपने संविधान को बचाएंगे। भले ही ये मनुवादी कितने ताकतवर हों, हम भी अपनी जान पे खेल करके अपने संविधान को बचाने की आज शपथ लेते हैं। 1 जनवरी 1818 भारत के इतिहास में, खास तौर पे जो भारत के बहुजन से हैं, अर्थात आज के SC ST से हैं, उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ये दिन है। 1670 में जो संभाजी महाराज थे, महार कम्युनिटी के महाराज थे, उनका अपना साम्राज्य था महारों का, पुणे के और उधर के आसपास महाराष्ट्र में। 1670 के आसपास उन संभाजी महाराज को जो पेशवाई, जो ये ब्राह्मण, इनका जो अपना साम्राज्य था, इन्होंने छल कपट से उनको पकड़ा और उनको, उनकी हत्या कर दी, और उनके छोटे छोटे शरीर के, सिर्फ इतना ही नहीं, इतनी क्रूरता की कि छोटे छोटे टुकड़े काट करके और उनको वहाँ पास नदी में फेंक दिया, और ये प्रतिबंध लगा दिया, चेतावनी दे दी कि कोई भी महार जाति का या कोई भी दूसरा कोई कम्युनिटी का अगर संभाजी महाराज की अगर उन बॉडी के टुकड़ों को इकट्ठा करेगा या मुखाग्नि देगा तो उसको भी उसी तरीके से दंड दिया जाएगा। लेकिन एक पहलवान थे महार समाज के, उन पहलवान ने पहल की और वो नदी में कूद करके उन्होंने अपने महाराज संभाजी महाराज के टुकड़ों को इकट्ठा किया शरीर के, और उनको इकट्ठा करके मान सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया, मुखाग्नि दी और महारवाड़ा में ले जा करके, और जैसे ही उनको पता चला पेशवाइयों को कि संभाजी महाराज का ऐसी इस तरह से अंतिम संस्कार की गई है, अंत्येष्टि की गई है, तो उन्होंने उस पहलवान को पकड़ के उसकी भी हत्या कर दी, और उसके बाद प्रतिबंध लगाए वहाँ पर महारों के ऊपर कि एक तो वो हथियार वगैरह कुछ नहीं रख सकते, अच्छा, दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात ये कि उनको घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मेन रोड पर नहीं आएंगे, और आएंगे तो उनके गले में हांडी होगी और पीछे वो अपने, उनके पीछे वो झाड़ू बांध करके चलेंगे जिससे कि उनका थूक जमीन पर ना गिरे, हांडी में थूकें, और उनको अगर उनके पैर के निशान है तो पीछे जो झाड़ू बंधी है उससे वो साफ होते चले जाएँ। इतने क्रूर प्रतिबंध, शिक्षा पे प्रतिबंध, उनके जो पौष्टिक आहार खाने पे प्रतिबंध, और उनके तमाम, उनके साथ छुआछात का भेदभाव भयंकर रूप से उन्होंने कर दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया उन्होंने, और पूर्णतः मनुवादी व्यवस्था को, जो कायदे कानून थे मनुस्मृति के, उनको उनके ऊपर लागू कर दिया। धीरे धीरे समय निकलता गया, और देखिए जहाँ 1670 के आसपास संभाजी महाराज को इन्होंने जो मारा, हत्या की, उधर दूसरी तरफ अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी भारत में 1608 में आ चुकी थी, और वो भी अपना साम्राज्य को बिजनेस करने के नाम पर अपने साम्राज्य को वो भी ताकत के साथ बढ़ाए जा रहे थे, और धीरे धीरे जितने छोटे छोटे पहले राजे रजवाड़े थे, पहले एक तो था नहीं पूरा देश, हर पूरे भारत उपमहाद्वीप में छोटे छोटे राजे महाराजे इस तरह के से थे, मुगल शासनकाल था, तो उसको सबको हराते हुए वो पहुँच रहे थे, और वो महाराष्ट्र की तरफ पहुँच गए 1700 के ईस्वी में, वो 1750-60 के आसपास उनकी नज़र पड़ी महाराष्ट्र के आसपास, मुंबई को तो कब्जा कर चुके थे वो जी। तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर, पेशवाइयों के ऊपर, उस साम्राज्य के ऊपर हमला किया, और बहुत वर्षों तक वो उसको हरा नहीं पाए पेशवाइयों को, उनकी लड़ाई चलती रही वहाँ पर, जितने भी तमाम वहाँ पर वो आक्रमण करते रहे तो विफल होते गए अंग्रेज़ों के आक्रमण। दूसरी तरफ जो महार थे जिनके ऊपर प्रतिबंध लग गए थे, 1670-80 के आसपास से ही प्रतिबंध, कड़े प्रतिबंध झेल रहे थे, और जाति व्यवस्था को और अपमानित सामाजिक आर्थिक और शारीरिक जो शोषण अपमान सह रहे थे वो भी उनके अंदर भी अंदर ही अंदर विद्रोह की भावना फैल रही थी। तो उधर जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने उनके आक्रमण बढ़ते जा रहे थे, पेशवाई भले ही जीत रहे थे मगर अंग्रेज़ जो अपने आधुनिक हथियार वगैरहों के साथ वो लगातार उन पर हमला कर रहे थे तो उससे पेशवाई तो कमज़ोर हो ही रहे थे, चिंता तो हो रही थी बाजीराव द्वितीय के उसमें जो उनका राजा था। अब वहाँ पर महारों ने एक मीटिंग करी 1817 के अक्टूबर नवंबर में, उन्होंने एक मीटिंग की आपस में, और उन्होंने एक नवयुवक को दूत बना करके संभाजी, उसके बाजीराव के दरबार में भेजा पेशवाइयों के, और उनको कहा, प्रस्ताव रखा कि भाई आप हमारे ऊपर से प्रतिबंध उठा लो, ये
और हमारा जो मान सम्मान क्या है वो वापस करो और हमें पूरे इज्जत मान सम्मान के साथ जीने दो, तो हम अंग्रेजों से लड़ेंगे पेशवाई सेना के साथ मिलकर के, हम अंग्रेजों के साथ लड़ेंगे जिससे कि आप लोगों को जीत हासिल हो सके। मगर जो पेशवाई थे जाति में, जाति व्यवस्था में जिनका ज़्यादा वो था, अहंकार में वो थे कि ये महार कैसे लड़ेंगे, तो कमज़ोर महार हैं ये कैसे लड़ेंगे, और उनको ये अपमानित हो कि भाई अछूत है फलाना है, उस अहंकार में रह के उन्होंने मना कर दिया भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो महार उन्होंने मीटिंग करके फिर वही नौजवान अंग्रेजों के पास भेजा, और अंग्रेजों से जब उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भाई हमारे ऊपर जो ये प्रतिबंध लगे हैं इनको आप हटाएंगे, हमारा पूरा अधिकार और मान सम्मान वापस करेंगे, तो हम आपकी तरफ से पेशवाइयों पर के खिलाफ लड़ेंगे, तो अंग्रेजों को तो चाहिए था, उन्होंने तुरंत उस पर हाँ कर ली, और उन्होंने 500 सैनिक लेकर के जो आज का दिन है 31 दिसंबर आज तो, और 1817 में 31 दिसंबर आज के शाम वो 500 महार लड़ाके और एक अंग्रेज सेनापति, उनके साथ था अंग्रेज सेनापति और उनके साथ 500 महार, वो कम से कम 250 घुड़सवार थे और वो 250 के करीब पैदल, और उन्होंने कूच की कोरे गांव की तरफ। देखिए भीमा जो है ना, भीमा कोरे गांव जो कहते हैं, भीमा एक नदी का नाम है, वहां पर नदी है कोरे गांव के पास पुणे में, उस नदी के किनारे पर वो लड़ाई होनी थी, और वहां पर लड़ाई संघर्ष के लिए वो रात भर करीब करीब कम से कम 40-42 किलोमीटर वो चले, शाम को पूरी रात चलते रहे भूखे प्यासे, और जैसे ही वहाँ कोरे गांव पे सुबह पहुँचे वहाँ पर भीमा नदी के किनारे कोरे गांव पर, और वहाँ तुरंत देखा कि वहाँ कम से कम 18,000 की तादाद में वहाँ घुड़सवार सैनिक पेशवाइयों का उनका इंतजार कर रहे हैं, वो पूरी ताकत के साथ बिल्कुल तरोताज़ा अपना खाना नाश्ता पानी करके वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि जैसे ये अंग्रेज सेना आएगी उनके खिलाफ लड़ने के लिए। अब उनको देखते ही जो भूखे प्यासे जो वो महार सैनिक थे जो रात भर सोए नहीं और बिल्कुल थके हुए थे, भूख प्यास से वो थे, आराम करने के चक्कर में थे कि आराम करेंगे फिर लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेशवाई सैनिकों को देखे, भले ही वो बहुत भारी संख्या में थे, और वो इतिहासकार कहते हैं करीब 28,000 की सेना जिसमें से कि 20,000 घुड़सवार वो थे और तमाम तलवारों से और हथियारों से तोपों से लैस, और उधर दूसरी तरफ 500 वो थके हुए सैनिक, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन पेशवाइयों को देखा तो उनकी भूख प्यास थकान सब दूर हो गई, क्योंकि उनको याद आ गया जो उनके ऊपर करीब करीब 50-70 साल का जो प्रतिबंध, जातिगत प्रतिबंध, अपमान, और उनके खिलाफ जो इन्होंने जिस तरह से अपमानित किया उनको, तो उनके अंदर सारी भूख प्यास सब भूल करके वो तमाम 500 के सैनिक और खड़े हो गए, और उन्होंने करीब करीब 12 से 14 घंटे के बिल्कुल भीषण युद्ध के बाद, संघर्ष के बाद 28,000 की उस सेना को, बड़ी सेना को गाजर मूली की तरह काट करके उनको परास्त किया, और वो इतिहास गवाह है कि आज उसके बाद अंग्रेजों ने उस लड़ाई से लड़ाई जीती, और उन्होंने ये ब्राह्मणवादी जातिवाद पर भेदभाव के ऊपर आधारित जो वो थी शासन प्रणाली पेशवाइयों की, उसको ख़त्म करके अंग्रेजी शासन वहाँ पर लागू किया, वहाँ पर उनकी व्यवस्था हुई, और अंग्रेजों ने तमाम प्रतिबंध उठाए, और उन्होंने कहा कि एक महार रेजिमेंट का गठन किया, तमाम महारों को स्पेशल एक रेजिमेंट दी कि आप इसमें भर्ती करेंगे, उनको भर्ती किया, पढ़ने लिखने की आज़ादी दी, उनको रास्ते खोले पढ़ने लिखने के लिए, उनको सब मान सम्मान दिया, और सबसे ज़्यादा उन्होंने एक मेमोरियल बनाया जो आज भी वहाँ पर शान से खड़ा है, वहाँ कोरे गाँव में भीमा कोरे गाँव जिसको कहते हैं, बिल्कुल वो मेमोरियल स्तूप बनाया उनकी याद में जो हमारे शहीद हो गए थे, 500 सैनिकों में से जो लड़ते लड़ते 28,000 सैनिकों से लड़ते लड़ते जो शहीद हुए, जिन्होंने कि उस जीत में मुख्य रोल निभाया सबने, तो उनकी याद में आज भी उनके नाम खुदे हुए हैं उसके ऊपर, उन्होंने अंग्रेजों ने उसको मेमोरियल बनाया, स्तूप बनाया, विजय शौर्य स्तूप उसका जिसका नाम है, इसलिए शौर्य दिवस उसको मनाया जाता है, लेकिन इसको जनरल मीडिया या अपर कास्ट के जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन्होंने इसको उसमें नहीं लिया। डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब तक जीवित रहे वो प्रतिवर्ष 1 जनवरी को खास तौर पे भीमा कोरे गांव जाते थे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते थे, और उन्होंने खास तौर पे उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसमें तमाम वृत्तांत ये उसमें से बाबा साहब ने ये लिखा है जिसको भी हम पढ़ के आज आपको बता रहे हैं। तो ये तमाम ये इतिहास, ये गौरवशाली इतिहास, देखिए इन मनुवादियों ने क्या किया, जब हमारे आदिवासी जब यहाँ के मूल नागरिक थे अनार्य समाज, उन योद्धाओं को जब जब हराया इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने उनकी शिक्षा छीनी, उनके ऊपर उनके ताजे पौष्टिक आहार खाने पे प्रतिबंध लगाया, उनको अपमानित किया, मानसिक रूप से उनको अपमानित किया,
जिससे कि जब आपको मानसिक रूप से कोई अपना अपमानित करता है तो आप आधे तो वैसे ही कमजोर हो जाते हैं। इन्होंने आपके आपके खाने पीने पे, कपड़े पहनने पर, बेहतर जीवन जीने पर, पीने के पानी तक लेने पर इन्होंने प्रतिबंध लगाए, आपको सड़कों पे चलने पर प्रतिबंध लगाए। देखिए वहाँ पर सिर्फ दोपहर के समय चलने की निकलने की इजाज़त थी, सिर्फ दोपहर के समय, क्योंकि उस समय परछाई छोटी हो जाती है और इसीलिए उनकी परछाई भी धरती पे ना पड़े, इस तरह के अमानवीय है वो इन्होंने कृत्य करे, जिसको कि आज भी आधुनिक तरीके से इसको लागू करना चाहते हैं उसी मनुवाद को, और जो इस देश के मूल शासक हैं। देखो इनको किसी और से वो नहीं है डर, इनको पता है कि इस देश के जो SC ST हैं, जो जो इस देश के वो जो 35 करोड़ लोग जो इस देश के योद्धाओं की संतानें हैं, इस देश में साम्राज्य उनके रहे, उनके दादे परदादे, उनके जो पूर्वज हैं इस देश के राजे रहे, योद्धा रहे, तो इसीलिए ये उनको वो प्रतिबंध लगा करके शिक्षा पहले छीनना चाहते हैं, उनके उनका रोजगार छीनना चाहते हैं, जिससे कि बेहतर ये पौष्टिक आहार ना खा सकें, ताकतवर ना बन सकें, हमारे सामने लड़ ना सकें, इनको कुछ ना हो, ये आज भी उसी साजिशों को करते आ रहे हैं। और देखिए इस कहानी से एक और चीज़ ये और होती है कि ये जो RSS के लोग हमारे खासतौर पर वाल्मीकि समुदाय और SC ST के समुदायों में एक भ्रांति फैलाते हैं, खासतौर पर सफाई कर्मचारी समुदाय में, कि भैया तुम तो ठाकुर ब्राह्मण थे, तुम्हें तो मुगलों ने तुम्हें ये गंदे पेशे करने पे मजबूर करा, कि भैया अगर मुगल तो आए थे 6ठी शताब्दी में, अगर हमें मुगलों ने झाड़ू के काम करने में ये करने पे मजबूर करा तो संभाजी महाराज का साम्राज्य कैसे बचा भाई, हम वहाँ राजा कैसे थे 1670 में, हम 1600 ईस्वी में हम राजा थे इस देश के, तो अगर अगर मुगलों ने अगर हमें बनाया तो संभाजी महाराज कैसे बच गए, उनसे भी झाड़ू का काम करवाते नहीं करवाते, तो ये सब ये भ्रांतियाँ फैला दी और हमारे लोगों को कट्टर हिंदू बना करके उनको संविधान के विरुद्ध खड़ा कर दिया, उस संविधान के विरुद्ध जिस संविधान के कारण आज हम खड़े हैं, हमें शिक्षा प्राप्त हुई, पीने का पानी प्राप्त हुआ, मान सम्मान अधिकार प्राप्त हुए, सुरक्षा प्राप्त हुई, और हमें हमें नए नए पेशे करने का, अलग अलग धंधे उद्योग धंधे काम करने का, अलग अलग उसमें काम करने के मौके मिले, और हमें राजनीतिक रूप से वोट का अधिकार मिला, चुनाव लड़ने का अधिकार मिला, मंत्री संतरी से लेकर के तमाम तरह के अधिकार मिले। तो देखिए हम आज प्रेरणा लेते हैं, आज के दिन उस युद्ध की शुरुआत हुई थी, आज चले थे उस युद्ध के लड़ने के लिए 31 दिसंबर 1817 को, और कल सुबह भीषण युद्ध हुआ, और कल के दिन एक जनवरी और 1818 को वो महायोद्धाओं ने युद्ध लड़ा, हम उनसे प्रेरणा लेते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम आज ये शपथ लेते हैं, जैसे उन 500 लोगों ने 28,000 पेशवाओं की धज्जियां उड़ा दी, उनको पराजित करा, उसी तरह हम भी अपने संविधान को बचाएंगे, भले ही ये मनुवादी कितने ताकतवर हों, अपनी जान पे खेल करके अपने संविधान को बचाने की आज शपथ लेते।